कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स ये पार्ट हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स में जो लास्ट फाइव ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके थ्रू और कोशिश रहेगी कि उन क्वेश्चन के साथ साथ उनसे रिलेटेड कंसेप्ट भी मैं आपको क्लियर करते हुए चलूँ क्योंकि जैसा ट्रेंड हम देखते हैं कि कुछ ईयर्स में लास्ट ईयर्स में जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनके सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कई बार सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है ठीक है तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये रिविजन सीरीज हमने स्टार्ट की है तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन इन टॉपिक से और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें रिएक्शन बिटवीन एंड बेंजेलडियान इन प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट एनएच इज नॉन्ड एज आप ध्यान देना रिएश में आपको क्या क्या, क्या दिया हुआ है यहां पर यस यहां पर आपको एक तो कंपाउंड दिया हुआ है बेंजेलडिया नेक्स्ट कंपाउंड आपको दिया हुआ है एसिटोफिन बेंजेलियाट की अगर बात की जाए तो बेंजेलियाट कंपाउंड हमारे पास ये हो जाएगा के साथ में नेक्स्ट कंपाउंड आपको जो दिया हुआ है दैट इज एसिटोफिनॉन ये आपके पास कंपाउंड है और रिएक्शन में कंडीशन आपको दी हुई है डाइल्यूट एनओ देखो डाइल्यूट एनओ के कंडीशन में रिएक्शन है मतलब एक्वस एल्कालाइन मीडियम में रिएक्शन है मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कार्बोनल कंपाउंड अगर आपको एज अ सबस्टेट रिएक्शन में गिवन है और एल्कालाइन कंडीशन अगर आपको दी हुई है ठीक है मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड आपको रिएक्शन में दिया हुआ है और एरो पर अगर आपको बेस दिया हुआ है तो थिंक अबाउट टू रिएक्शन दैट इज एल्डोल एंड कैनिजारो एल्डोल और कैनिजारो में जो मेन डिफरेंस हमारे पास आता है हम एल्डोल में बात करते हैं इट इज रिएशन ऑफ बोथ एल्डियड एंड कीटोन्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन है या सिंपलीफाइड वे में हम कह सकते हैं एल्डियड एंड कीटोन्स हैविंग एल्फाइड्रोजन जबकि का अगर बात करें तो रिएक्शन इज द रियन ऑफ इज कैरेक्टरिस्टिक रियशन ऑफ ओनली और एल्डिहाइड में हाइड्रोजन या विदाउट एल्फाइड अब जैसा कि आपको यहां पर देख सकते हैं कार्बोनाइल आपको दिया हुआ है और दो तरह के कार्बोनाइल कंपाउंड का मिक्सचर आपको दिया हुआ है जिसमें वन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड एसिडिक हम कह सकते हैं एल्फाइड प्रेजेंट है तो इट विल बी एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में भी अगर हम डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो अगर हम डिफरेंट टाइप के कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मिक्सचर अगर हमने लिया है तो इट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या हम कह सकते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन तो यहां पर अगर बात की जाए तो ये एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या हम कह सकते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन का एग्जांपल है और एक शॉर्टकट जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है तो आप टू कार्बोनाइल कंपाउंड मॉलिक्यूल्स लेंगे जिसमें से एक ऑर्गेनिक सबस्टेट की तरह बिहेव करता है दूसरा न्यूक्लियोफाइल सोर्स की तरह बिहेव करता है शॉर्टकट और जो सोर्स है, वो अपने करता है तो न्यूक्लियोफाइल सोर्स इन कंपाउंड को मानते हुए इसका ऑक्सीजन और इसके टू अल्फाइड माइनस एच टू आप करेंगे तो डायरेक्ट आपको इस क्रॉस कंडेंसेशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नेक्स्ट विच इज वट इज द आई पैक नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है एसिटोन आपको दिया हुआ है आप जानते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएशन जब आप ग्रेगनार्ड सीएजन के साथ में लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें मिलता है एल्कोहल और उसमें भी अगर बात की जाए तो फॉर्मेलियट गिवस प्राइमरी एल्कोहल रेस्ट ऑफ द एलियट्स गिव सेकेंडरी एल्कोहल एंड कीटोन गिव्स टर्सरी एल्कोहल यहां पर आपको कीटोन दिया हुआ है तो यह बात तो क्लियर है देखो इसमें इस बात की क्लियरिटी आपको होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी एल्कोहल जरा देखो रिएक्शन क्या है एसीटोन आपको दिया हुआ है और एसीटोन की रिएक्शन एसीटोन आपको दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन हमें करवाना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में जैसे कि हम जानते हैं ये रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लोफ्लिक एडिशन का एग्जांपल है जिसमें सी ट्यू एच फाइफ नेगेटिव जो आर पार्ट है सीजन का जिसको हम बात करते हैं रिएक्टिव पार्ट है तो है तो ये एज ए होगा इस डेफिशिएंट सेंटर कार्बन पर और ओ माइनस के साथ में एसोसिएट हो जाएगा एम मतलब जी बी आर प्लस में अगर बात की जाए तो जो एडक्ट आपको मिलेगा जो एडिशन प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेगा वो आपके पास ये कंपाउंड होगा आगे फिर हमें इसकी रिएक्शन लेना है वाटर के साथ में वाटर के साथ में यहां पर रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस जिसमें ओ माइनस एज ए बेस वाटर से प्रोटोन लेने का काम करेगा और इस तरह से अगर हम बात करें तो फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको ये टर्स एल्कोल दिस टर्स एल्कोहल विल बी फॉर्म इन द रिएक्शन अब इसके अगर आयुपैक नेम की बात करें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें ओ OH है जिस कार्बन से ये बॉन्डेड है उस कार्बन को कवर करते हुए अगर मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन की बात करूं तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये हो जाएगी और इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन टू हो जाएगी सो इट विल बी मिथाइल ब्यूटेन ऑल दिस विलेक्ट आंसर सो मिथाइल ब्यूटेन ऑल द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर और वैसे भी आप सोचिए देखो पेंटेंट ऑल की अगर बात करें पेंटेंट थ्री ऑल की अगर बात की जाए तो ये तो हमारे पास है सेकेंड रियल देखो टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल ये आपके पास टर्सियल कॉल है टू मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल भी आपके पास टर्स uh, कॉल है जैसे कि मैंने आपसे कहा कीटोन से हमें अल्कोहल मिलता है और एक बात सोचिए इस एडिशन प्रोडक्ट में कीटोन में तो है थ्री कार्बन और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में टू कार्बन मतलब ये भी अंडरस्टूड है कि जो एलकोल हमें मिलेगा वो फाइव कार्बन वाला टर्शियलकॉल मिलेगा जरा सोच के देखो इन दोनों में से फाइव कार्बन वाला टर्शियलकॉल की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है टू मिथाइल प्रोपाइन टू में टोटल कार्बन होंगे फोर इससे भी हमें समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉलम्स दिए हुए लिस्ट वन एंड लिस्ट टू आपको दी हुई है और इनको हमें मैच करना है साइनोहाइड्रीन एसिटल शिप बेस ऑक्साइम क्या मैं कह सकता हूं ये सब कार्बोनाइल कंपाउंड के से रिलेटेड रिएशन है वैसे भी आपको दिया हुआ है कार्बोनाइल कंपाउंड अब आप देखो कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन जब आप हाइड्रोजन साइनेट के साथ में लेते हैं तो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एल्कालाइन मीडियम तो यहां पर हमें कंपाउंड मिलता है जिसमें कार्बन पर ओ एच एन सी एन मिलता है दिस कंपाउंड इज नॉन्ड एज इड्रीन ये कंपाउंड हमारे पास है साइनोहाइड्रीन नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हाइड्रोक्सिल अमाइन आपको दिया हुआ है हाइड्रोक्सिल अमाइन दैट इज रिएशन अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड की रिएशन जब आप अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव के साथ में लेते हैं तो इसका शॉर्टकट हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल प्रोसेस में माइनस एच टू कर दिया जाए और इस माइनस एच टू के साथ में यहां में प्रोडक्ट लिख देता हूं जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो कंपाउंड मिलेगा सी डबल वो एनओ एच एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड

और उसके बाद में अगर बात की जाए एल्कोहल के साथ में तो जैसे कि हम बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप एल्कोहल के साथ में लेते हैं एसिडिक मीडियम में तो ओवरऑल प्रोसेस में कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ में एल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेशन में पहले आपको कंपाउंड मिलता है ओ एच एन ओ आर दिस इज हैमी एसिटल और हैमी किटोल डिपेंड करता है आपने इनिशियल कार्बोनाइल कंपाउंड क्या लिया है अगर एल्डिहाइड लिया है तो एल्कोहल के करस्पॉन्डिंग बनने वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं और अगर आपने कीटोन लिया है

हाइड्रोजन साइनेट के करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिला वो तो आपको मिला साइनोहाइड्रीन मतलब साइनोहाइड्रीन को मैं मैच करूंगा हाइड्रोजन साइनेट के साथ में एसिटल की अगर बात की जाए तो ये अल्कोहल से मैच हो जाएगा शिफ्ट बेस ये प्राइमरी अमाइन से बनने वाला प्रोडक्ट है और ऑब्जेन की अगर बात करें तो ये हाइड्रोक्सिल अमाइन से मिलने वाला प्रोडक्ट है मतलब ए का मैच होगा इसमें फोर ए का मैच फोर के साथ में है अगर ए का मैच में फोर के साथ में देखो तो दिस इज ऑनली ऑप्शन ए टू के साथ में नहीं मैच हो रहा है वन के साथ में नहीं हो रहा है थ्री के साथ में नहीं हो रहा है अगर ऑप्शन में ए का मैच फोर हमें मिल रहा है जो कि आंसर भी है तो बाकी ऑप्शन बाकी मैच को देखने की जरूरत भी नहीं है पर ठीक है क्रॉस चेक करने के लिए हम देख लेते हैं बी के साथ में थ्री आ जाएगा यस yes, बी के साथ में थ्री सही सी के साथ में आपको मिल जाएगा सेकंड यस प्राइमरी अमाइन ये भी सही और डी के साथ ऑक्साइम के साथ में अमाइन ये भी सही सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एंड एलडीटो आर हायर देन हाइड्रोकार्बन

तो कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर बात की जाए तो उनमें डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होता है जो कि वीक वेंडोवल कंपैरिजन में स्ट्रॉगर होता है वीक वेंडोवल में स्ट्रॉगर होता है और इसी डायपोल डायपोल की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में ज्यादा होते हैं ठीक है इस बात को समझना देखो कंफ्यूज नहीं होना यहां पर उसने लिखा है वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअली हम इसको भी वीक इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन मानते हैं कंपेरेटिव बात नहीं कर रहे हैं आ, आ, अगर मैं बात करूं वेंडरवल फोर्स के कंपेरिजन में जरूर यह स्ट्रोंगर है बट इन जनरल इट इज कंसिडर्ड एज वीक एसोसिएशन ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उस बेसिस पर इसने वीक वर्ड उसके लिए यूज किया है बट यस डेपुल अट्रैक्शन हमें कार्बोनाइल कंपाउंड मोलिक्यूल से मिलता है एज सच स्टेटमेंट आपके एनसीआरडी से उठाया हुआ है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ हैल्कोहॉल्स ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मार्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग बिल्कुल सही एलडीएड कीटोन में एच बॉन्डिंग एबसेंट है और एल्कोहल में एच बॉन्डिंग प्रेजेंट है अगर हमें कहा जाए कि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डियड कीटोन से ज्यादा है तो हम कहेंगे इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्डिंग इन एल्कोहल मॉलिक्यूल लेकिन अगर स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट से कम है तो हम कहेंगे इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच बॉन्डिंग इन एंड कीटोन तो ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसने लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्ड एंड कीटोन इज लोअर बिल्कुल सही बात है क्यों देन एल्होल इट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट

यहां पर अगर बात की जाए तो उसमें आपको बताना है, अगर हमने और का लिया है तो हमसे पूछा जा रहा है, कि इसमें कौन से का नहीं है। जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए इन फोर ऑप्शन में अगर आप देखेंगे देखो एक बात तो क्लियर है कि कार्बोनाइल कंपाउंड की एल्डोल रिएक्शन में टू मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन होता है और इन टू मॉलिक्यूल्स के पार्टिसिपेशन में टू मॉलिक्यूल के पार्टिसिपेशन में वन मॉलिक्यूल बिहेव एज एन ऑर्गेनिक सबस्टेट एंड अदर मॉलिक सोर्स ऑफ न्यूक्स और शॉर्टकट में जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि ऑर्गेनिक जो सबस्टेट मॉलिक्यूल है वो तो अपना ऑक्सीजन लूज करता है और न्यूक्लियोफाइल सोर्स मॉलिक्यूल जो है वो अपने टू अल्फाइडन लूज करता है इस तरह से माइनस एच टू के साथ में आपको ये कंपाउंड मिलता है एंड दिस कंपाउंड इज नॉन एज एल्डोल राइट तो देखो एल्डोल एक्चुअली इन बिटवीन कंपाउंड बनता है जिसका कंडे कंपाउंड uh, जो आपको मिलता है वो अनसेचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है तो दिस इज अनसेड कार्बोनाइल कंपाउंड यह एल्डोल कंडेसेशन का प्रोडक्ट है आप जरा सोचिए आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है और आपको यह फाइन करना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एसिटोन और पेंटेंट ऑन मिक्सचर एल्डोल कंडेंसेशन में नहीं होने वाला है जरा देखो ये अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मुझे रिवर्स जाना है मुझे अगर ये चेक करना है कि ये कौन से कंपाउंड से बना होगा तो मैं क्या कर सकता हूं इस डबल मोन को फिर से ब्रेक करूंगा यहां पर ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा यहां पर टू अल्फ ऐड कर दूंगा तो मुझे वापस ये कार्बन कंपाउंड मिल जाएंगे राइट बस इसी टेक्निक को यूज करते हुए जरा सोचिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो ये तो ऑक्सीजन और यहां पर आ जाएगा आपके पास टू देखो इन कार्बोनाइल कंपाउंड का यहां पर यूज हुआ होगा इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में चला देखो यहां जो कंपाउंड आपको नजर आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव ये तो पेंटेन थ्री ऑन है जबकि पेंटेन थ्री ऑन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है हमें दिया हुआ है पेंटेन टू ऑन तो ये तो पेंटेन टू ऑन से नहीं बन सकता इसका मतलब दिस कंपाउंड इज नॉट फॉर्मड इन दिस रिएक्शन नेक्स्ट अगर बात की जाए यहां पर अगर बात करें तो ऑक्सीजन एंड टू हाइड्रोजन जरा देखो ये कंपाउंड आपके पास हो गया एसीटोन और ये कंपाउंड हो गया एसीटोन तो और पेंटेन पेंटेंटून के मिक्सर में आपको ये मिल जाएगा यहां भी अगर बात की जाए इसमें ऐड करें यहां पर टू हाइड्रोजन ऐड की जाए वन टू थ्री फोर फाइव ये भी पेंटेन पेंटेंटू ऑन और जरा देखो ये आपको मिला एसीटोन ये भी मिल जाएगा आपको नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर टू हाइड्रोजन और यहां पर ऑक्सीजन एसिडोन एसीटोन ये भी मिल जाएगा आपको मतलब क्या नहीं फॉर्म होगा तो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है वो पेंटेन टू और नहीं पेंटेन थ्री ऑन के दो मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन से बनेगा सो दिस कंपाउंड इज नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है is, compound, और साथ में आपको रिएशन दिया है जेड एन एच जी प्लस एस सी एल वेरी वेरी फेमस रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड इंटू हाइड्रोकार्बन जिसमें हम बात करते हैं ZNHG plus HCL आप लेते हैं और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इंटू मिथैली ग्रुप जो सीओ ग्रुप है सी एच टू में कन्वर्ट हो जाता है यहां आप कह सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड इंटू एलकेन हाइड्रोकार्बन मतलब यहां पर सीओ ग्रुप सी एच टू में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सीओ ग्रुप भी सी एस टू में कन्वर्ट हो जाएगा बस अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन देखना है तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि इसमें एलकोल बना हुआ है जबकि प्रोडक्ट हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन सीओ ग्रुप जब सी एच टू में कन्वर्ट होता है तो दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट इंटू हाइड्रोकार्बन जरा देखो यहां भी एल्कोल दिया हुआ है ये ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा है यहां पर मिथाइल दिया हुआ है जबकि यहां पर आप देखो रिडक्शन में सी एच टू सी एस ट्री जरा सोचिए इस कंपाउंड का जब रिडक्शन होगा और सीओ ग्रुप जब सी एच टू में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए सी एच टू सी एस ट्री मतलब इथाइल इसी तरह से यहां भी अगर हम बात करें तो यहां भी जब कार्बोन ग्रुप

और इसमें हम बात करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट रिड्यूस करता है एल्कोहल में नेक्स्ट आपको एलिमिनेशन रिएक्शन yes, यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा अल्कोहल और इस केस में कंपाउंड बन जाएगा इथिन फिर आपको दिया हुआ है यहां पर HBR. HBR के अगर बात करें, तो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन

क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट दोनों आपस में क्लब हो जाएंगे ओवरऑल रिएक्शन में और प्रोडक्ट आपको मिलेगा so Next question. Next question आपको दिया हुआ है कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है यस yes, इस रियजन को पहचानिए भाई ये रियजन कौन सा है, yes, रियेजन. रियेजन आपको दिया हुआ है जैसे कि हम जानते हैं टॉलेंस रियजेंट Yes, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूं टॉलरेंस रियजन फेलिंग सोल्यशन बेनेटिक सोल्यूशन की अगर बात की जाए तो इनमें कंडीशन एल्कालाइन होती है और एल्कालाइन कंडीशन होने की वजह से जो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होता है आपको फाइनल प्रोडक्ट एसिड नहीं मिल पाता है क्योंकि नो डाउट एलडीएड ऑक्सीराइज होकर एसिड कन्वर्ट होगा एसिड बनाएगा लेकिन एल्कोलाइन कंडीशन होने की वजह से वो एसिड ना मिल के आपको एसिड सॉल्ट मिलता है तो ये तो कीटोन अनएफेक्टेड रहेगा यहां पर एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेक्टेडीएड होगा यस इट इट विल विल गेट इन टू एसिड बट वो एसिड नहीं एसिड सॉल्ट आपको मिलेगा क्योंकि कंडीशन एल्कोलाइन होती है तो जरा देखो यहां पर एल्कोहल बना हुआ है ये स्टेटमेंट ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यस yes, ये कीटोन पार्ट इसमें अनएफेक्टेड है और यहां पर आपको एसिड सोल्व दिया हुआ ये बिल्कुल सही है यहां पर एलकोहल में रिड्यूस कर दिया कीटोन को बिल्कुल गलत यहां भी कीटोन को एल्कोहल में रिड्यूस कर दिया गलत सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर टू नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इसमें डायकार्बोक्सिल एसिड आपको दिया हुआ है अमोनिया के साथ में रिएक्शन है स्ट्रॉन्ग हीटिंग जैसा कि हम जानते हैं एसिड और अमोनिया को अगर आप टेम्परेचर कंडीशन में रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट आपको मिलता है अमाइड तो यहां पर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होगा और ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा इसमें अमाइड अमाइड जरा देखो साइक्लिक है मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं इमाइड आपको मिलेगा ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है थैलिक एसिड और थैलिक एसिड की रिएक्शन जब अमोनिया के साथ में होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी थैलीमाइड सो द करेक्ट आंसर इज थैलीमाइड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इसमें एसिड सोल्ट आपको दिया हुआ yes, है एनओ एंड हीट हाइड्रोकार्बन गैस कौन सी रिएक्शन है याद करें एसिड सोल्ट एसिड एसिड सोल्ट अगर आपको दिया हुआ है और जैसे कि हम बात करते हैं सोडा सोडा लाइम लाइम दियान जब आप एसिड सोल्ट आप लेते हैं सो सोडालाइम डी कार्बोक्सिलेशन में प्रोडक्ट आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन ये वही रिएक्शन है और इसमें सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम उस एसिड एसिड सोल्ट को हीट करते हैं और सोडा लाइम क्या है यस इट इज एंड तो यहां पर जो मिसिंग रिएजेंट आपको दिया हुआ है जो मिसिंग कंपाउंड आपको यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना था वो क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का जो है इसी को हम सोडा लाइम बोलते हैं और सोडालाइम डी कार्बोक्सिलेशन में इट विल कन्वर्ट इंटू हाइड्रोकार्बन एल्केन सो द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम ऑक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहां पर दिया हुआ है फिर से दो लिस्ट आपको दी हुई है और आपको इनको मैच करना है यस yes. देखो

मतलब यहां पर अगर बात की जाए तो बी का मैच जो हो जाएगा वो थ्री के साथ में हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एल्कोहल आपको दिया है एसिड आपको दिया है सल्फ्यूरिक एसिड दिया है एल्कोहल और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं फॉर्मेशन होता है द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन मतलब सी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका मैच हो जाएगा फोर के साथ में और लास्ट आप जरा देखो एसिड आपको दिया हुआ है X2 टू प्लस रेड फॉस्फरस कौन सी रिएक्शन है वेल नॉन रिएशन है एच वी जेड रियन वोलाटका रिएशन मतलब डी का मैच यहां पर होगा फर्स्ट के साथ में तो ओवरऑल ये आपको यहां पर करेक्ट आंसर मिलने वाला है ए टू बी थ्री सी फोर डी वन ए टू बी थ्री ए टू ए टू यस दिस इज द करेक्ट आंसर ए टू बी थ्री सी फोर डी वन ए टू बी थ्री ए टू बी थ्री सी फोर डी वन ये इसका करेक्ट आंसर होगा और वैसे भी आप देखो ए के साथ में मैच टू केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है कई बार ऐसे ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं कि एक मैच से ही हमारा काम बन जाता है जैसा कि यहां पर बन भी रहा है अगर आपको यह पता है कि ए का मैच टू के साथ होने वाला है तो बाकी तो चेक करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ए का टू के मैच के साथ में केवल एक ही ऑप्शन आपको दिया हुआ था करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आर दिया हुआ है ग्रिकनाट सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन है

एज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जिसके आप फर्दर वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे जो कि एस आपको एसिडिक आपको दिया हुआ है तो इस एसिड बेस रिएक्शन में प्रोडक्ट आपको फाइनली यहां पर मिल जाएगा एसिड तो इन बिटवीन जो कंपाउंड वाई बना है वो कंपाउंड वाई आपके पास ये होगा जरा चेक करते हैं ऑप्शन में कहा दिया हुआ है पॉजिटिव आरसीटिव पॉजिटिव ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है दिस इज द करेक्ट आंसर सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ है हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन है देखो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन किया हुआ है और आगे सल्फरिक एसिड के साथ में रिएक्शन है साथ में हीट भी आपको दिया हुआ है जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर दो फंक्शनल ग्रुप है अब दोनों को इंडिविजुअल जरा सोचिए साइनाइड की रिएक्शन जब आप एसिड के साथ कराते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिस में साइनाइड इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो ट तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है लेकिन जरा यह भी सोचिए कि एल्कोहल को अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एसिडिक डिहाइड्रेशन होकर एल्कीन बनता है मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा मैं एल्कोहल के करस्पॉन्डिंग तो करूंगा इसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा मतलब डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा एंड साइनाइट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज एसिडिक एसिडिकोलिस ऑफ साइनाड मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए जरा चेक करते हैं ऑप्शन सी 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 आंसर जो प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है इसमें वो प्रोडक्ट सी ये कंपाउंड होना चाहिए किस ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड इन एक्वस मीडियम क्स मीडियम में वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्रीजन की जा रहा हूं लेकिन ये आप जानते हैं कि दो केस डिस्कस करते हैं अल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप है, है तो सेकेंडरी अमाइन आपको सबसे ज्यादा बेसिक मिलता है फिर आपको मिलता है प्राइमरी अमाइन फिर आपको मिलता है टोर्सियम और अगर अमोनिया भी दिया हुआ है तो वो आ जाता है लास्ट में ठीक है इसका एक नंबर भी मैं हमेशा आपको बताता हूं टू वन थ्री जीरो

तो उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दैट विल बी टू वन थ्री अमोनिया जरा देखो मिथाइलो एथैलो इस केस में अगर बात की जाए तो सेकेंडरी अमाइन और अमोनिया की पोजीशंस फिक्स हैं सेकेंडरी अमाइन और अमोनिया की पोजीशंस फिक्स हैं प्राइमरी और टर्स अमाइन में ही ऑर्डर में डिफरेंस आता है और इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं एक तो हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हम बात करते हैं जो कैटाइन फॉर्मेशन होता है उसका सॉल्वेशन और साथ में हम स्टेरिक की बात करते हैं देखो आई इफेक्ट अगर डोमिनेट किया तो थ्री डिग्री अमाइन वन डिग्री से ज्यादा बेसिक होगा और अगर आई इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाया तो वन डिग्री अमाइन थ्री डिग्री अमाइन से ज्यादा बेसिक होता है दो फैक्टर्स इसमें हम काम करते, करते, करते हैं एक तो हम बात करते हैं काउंट करते हैं एक तो हम बात करते हैं इसमें आई इफेक्ट की और दूसरा हम बात करते हैं कि जो केटैन फॉर्मेशन होता है उसका सॉल्वेशन किस एक्सटेंट तक हो रहा है ठीक है उस केटैन का फॉर्मेशन किस रेट के साथ में हो रहा है और इन दो में अगर आई इफेक्ट डोमिनेट किया तो टर्शिया माइंड वन डिग्री माइंड से ज्यादा बेसिक होता है और अगर डोमिनेट नहीं किया तो प्राइमरी से ज्यादा बेसिक होता है आप इसको, इसको इस तरह से माइंड में में रख सकते हैं मिथाइल और इथाइल क्या लगता है कहां पर आई इफेक्ट डोमिनेट करना चाहिए यस yes. आंसर है इथाइल ग्रुप क्योंकि इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो आप इस तरह से इसको माइंड में रख सकते हैं कि जब इथाइल ग्रुप होगा तो आई इफेक्ट के डोमिनेट करने की वजह से थ्री डिग्री वन डिग्री से ज्यादा बेसिक हो जाता है लेकिन मिथाइल ग्रुप जैसे कि हम बात करते हैं अमंग ऑल एल्ल ग्रुप्स इसका प्लस है मिनिमम होता है तो यहां पर आई डोमिनेट नहीं कर पाता है स्टेरिक वाला फैक्टर जो कैटाइन सॉल्वेशन वाला फैक्टर है, है और टू डिग्री वन डिग्री थ्री डिग्री अमोनिया टू वन थ्री अमोनिया दिस इज टू डिग्री वन डिग्री एंड दिस इज थ्री डिग्री टू वन थ्री ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव कार्बलमाइन टेस्ट कार्बलमाइन टेस्ट आप सभी जानते हैं रिएक्शन या इसको आइसोसाइनेट टेस्ट भी कहा जाता है और ये वन डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है मतलब आंसर हमारा वन डिग्री अमाइन होना चाहिए यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर दिस इज प्राइमरी अमाइन ये आपको सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है ये यह अमाइन दिया हुआ है ये सेकेंडरी अमाइन दिया हुआ है आइसोसाइनेट टेस्ट या कार्बलमाइन टेस्ट या हॉफमेन कार्बलमाइन रिएक्शन जो है वो वन डिग्री अमाइन की रिएक्शन है जिसमें हम बात करते हैं वन डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन वन डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ में इनकेच ओवरऑल रिएक्शन में अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट हमें मिलता है यहां पर आइसोसाइनाइड और क्योंकि आइसोसाइनाइड की स्पेसिफिक स्मेल होती है उसी स्मेल के बेसिस पर हम इस टेस्टन को आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं जो प्राइमरी अमाइन के लिए यूज होती है दैट तो प्राइमरी अमाइन कैन बी एलिफेटिक और कैन बी एरोमेटिक ऑल्सो सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच इज डिजोल्ड इन एल्का देखो यहां पर अगर बात करें तो हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज हम करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जिसमें हम बात करते हैं कि प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन जब हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में होती है वॉट इज हिंसबर्ग रिएजेंट बेनजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज नॉन एज हिंसबर्ग रिएजेंट और जब प्राइमरी अमाइन इसके साथ में रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं रिएक्शन का एक्साम्पल है और ऐसे नहीं रिएशन में जैसा कि हम बात करते हैं अमाइन एज ए न्यूक्लोफाइल अटैक करेगा ओपन करेगा क्लोज करेगा लीव करेगा प्रोडक्ट बनाएगा तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर प्रोडक्ट आपको मिलता है ये कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज फॉर्मड एज प्रेसिपिटेट ये कंपाउंड आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है एंड दैट इज सॉल्युबल इन एल्कलीन सॉल्यूशन में ये सॉल्युबल होता है क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है और यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होने की वजह से ये प्रेसिपिट इसमें सोल्यूबल हो जाता है तो प्राइमरी अमाइन के करस्पॉन्डिंग जो प्रेसिपिट आपको मिलता है वो एल्कालाइन सोल्यूशन में सोल्यबल होता है जबकि सेकेंडरी अमाइन अगर आप लेंगे यहां पर आर टू एन एच तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा नो एसिड बेस रिएक्शन तो वो वहां पर इनसोल्यूबल रहेगा और टर्शी अमाइन तो हिस्सबगन के साथ में रिएक्ट करता ही नहीं है तो प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करके प्रेसिपिट बनाएगा इस कंपाउंड का एंड दैट इज सॉल्युबल इन एल्कालाइन सॉल्यूशन क्योंकि इसने बोला है कि इट गेव सॉलिड विच ये सॉलिड एक्चुअली वो प्रेसिपिडेट uh, के लिए बोल रहा है एक्चुअली क्रिस्टलाइन प्रेसिपिडेट आपको मिलता है एंड दैट इज दैट इज इन एल्कली इसका मतलब इट शुड बी प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन की अगर बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन फोर में प्राइमरी अमाइन दिया हुआ है ठीक है दिस इज सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज अमाइन ये तो रिएक्ट नहीं करेगा इस वक्त के साथ में सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट करेगा प्रेसिपिडेट भी बनाएगा लेकिन वो एल्कलाइन सोल्यूशन में इनसॉल्यूबल होता है राइट तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टू डिग्री सेल्सियस आप सभी जानते हैं वेल नॉन रिएक्शन है सॉल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन है तो यहां पर एनिलीन की रिएक्शन में जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो मिलेगा डायजोनियम ये तो उसने ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है चलिए डायजोनियम सॉल्ट उसने पहले से ही बनाया हुआ है तो ये डायजोनियम सॉल्ट आपको मिल चुका है रिएजन आर की रिएक्शन में इसे आपको ट्राई ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करना है मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूं ये यहां से जाना चाहिए और यहां पर क्या आना चाहिए एच इसका मतलब डायजनियम सॉल्ट का रिडक्शन करने की वो बात कर रहा है और डायजिनियम सॉल्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है यहां पर इसको एच से रिप्लेस करना है तो इसके लिए हमारे पास दो रिएजेंट अवेलेबल होते हैं एक तो हम बात करते हैं इथेनॉल या तो आप इथेनॉल के थ्रू इसको रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम बात कर सकते हैं एच थ्री पीओ टू प्लस वॉटर हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वॉटर इन दोनों में से कोई भी रीजन अगर आप यूज करते हैं तो दिस डायजीनियम पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन डायजिनियम सॉल्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में दो तीन ब्रोमीन प्रेजेंट है वो तो अवेलेबल रहेंगे सो दिस कंपाउंड विल कन्वर्ट इनटू ट्राई बेंजीन अगर आपने डायोज सॉल्ट को रिड्यूस किया है बाय यूजिंग इथेनॉल और हाइपोफॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर जरा देखो ऑप्शन में यस इथेनॉल ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है प्राइमरी एलिफेटिक रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू गिव अनस्टेबल डायोजिनियम सॉल्ट बिल्कुल सही बात है प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं हैं और इसके लिए हम सोर्स मिक्स करते सोडियम नाइट्राइट प्लस एस तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डायोज सॉल्ट आपको मिलता है डायोजिनियम आयन जो आपको मिलता है ये अनस्टेबल होता है एन टू इसमें से लीव कर जाता है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन यस एरोमेटिक अमाइन आपको दिया हुआ है रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म डाय सॉल्ट विच आर स्टेबल इवन अब थ्री हंड्रेड कैलविन यह गलत है यह स्टेटमेंट गलत है देखो एरोमेटिक अमाइन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन इसकी रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ में लेते हैं एच एनो टू या फिर मैं इसका सोर्स लिख देता हूं दैट इज एन एनो टू प्लस एस सी एल तो नो no डाउट इसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला जो डायजीरियम सॉल्ट है वो कंपेरेटिवली स्टेबल होता है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो डायजीरियम सॉल्ट आपको मिलता है ये कंपेरेटिवली स्टेबल होता है ये एलिफेटिक वाले के कंपेरिजन में स्टेबल है एलिफेटिक वाला तो होता ही अनस्टेबल है ये कंपेरेटिवली स्टेबल है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कंडीशनल है ये आपको स्टेबल मिलेगा और स्टेबिलिटी का रीजन क्या है स्टेबिलिटी का रीजन है पाई पाई पापाइब कॉन्जुकेशन रेजोनेंस रेजोनेंस होने की वजह से इसमें कंपेरेटिवली आपको स्टेबिलिटी मिलती है स्टेबल भी कंडीशनल है इट इज स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर यह लो टेपरेचर कंडीशन में ही स्टेबल होता है और वो टेंपरेचर अगर मैं बात करूं तो इट इज टू फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर कैलविन में कन्वर्ट किया जाए तो इट इज टू सेवनटी थ्री टू टू सेवनटी एट कैलविन यहीं पर ये स्टेबल होता है उसने स्टेटमेंट में आपको दिया है कि इट इज स्टेबल इवन अबव थ्री हंड्रेड कैलविन यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये लो टेम्परेचर कंडीशन में ही स्टेबल होगा इस कंडीशन में ही स्टेबल होता है अगर आपने टेम्परेचर इससे बढ़ा दिया तो फिर ये भी अनस्टेबल हो जाएगा तो लो टेम्परेचर कंडीशन में स्टेबल आपको मिलता है इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट नो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकर सेकेंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर करेक्ट नो no. पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन इन जेलडोल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड जेल्डॉल मेथड का हम यूज करते हैं नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए कंपाउंड में प्रेजेंट नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए लेकिन आपके एनसीआरटी में बहुत क्लियरली इसको लिखा हुआ है मेंशन किया हुआ है कि जेलडॉल मेथड का यूज आप उन कंपाउंड्स के लिए उन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए नहीं कर पाएंगे जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट है या नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है या नाइट्रोजन एजो ग्रुप में प्रेजेंट है चला देखो यहां पर नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है यहां पर नाइट्रोजन एजो ग्रुप में प्रेजेंट है यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप में प्रेजेंट है इन केसेस में दिस मैथड फेल्स तो इसका यूज आप इन फोर कंपाउंड में से केवल सेकेंड कंपाउंड में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज साइनाइड आपको दिया हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिया हुआ है इसका मतलब इस केस में अगर हम बात करें तो साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड को रिड्यूस करेगा अमाइन में तो यहां पर आपको मिल जाएगा वन डिग्री अमाइन आगे आपको दिया हुआ है एनएन प्लस एस सी एल एन एनडू प्लस एस सी एल मतलब इस केस में अगर बात की जाए तो यहां पर फॉर्मेशन होगा डायजोनियम सोल्ट का लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यह डायजोनियम सोल्ट अनस्टेबल होगा

प्राइमरी अमाइन हमें नहीं मिलना चाहिए वो ऑप्शन हमें फाइंड करना है है आपको दिया हुआ है। का जवाब रिडक्शन करते हैं सब में आप देखो फर्स्ट टू थ्री तीन ऑप्शन में आपको रिडक्शन दिया हुआ है तो प्राइमरी अमाइन तो हमें मिलेगा हमें बताना है नॉट फॉर्मड एज प्राइमरी अमाइन आइसोसाइनेट आपको दिया हुआ है आइसोसाइनेट के रिडक्शन में हमें मिलता है सेकेंडरी अमाइन यहां पर प्रोडक्ट बनाया सेकेंडरी अमाइन थर्ड आपको अमाइड दिया हुआ है जैसे कि हम बात करते हैं एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव यूजुअली ऑन रिडक्शन गिव एल्कोहल एसिड एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन में जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होता है वो एल्कोहल होता है लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको कि एसिड डेरिवेटिव में एक एक्सेप्शन हमारे पास है अमाइड अमाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं तो ये भी एसिड डेरिवेटिव है अदर एसिड डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग इसमें प्रोडक्ट हमें एल्कोहल मिलना चाहिए लेकिन अमाइड इसका एक्सेप्शन होता है अमाइड का जब आप रिडक्शन करते हैं तो यहां पर भी कंपाउंड मिलता है अमाइन एंड यू कैन सी इट इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन और ये रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हॉफमेन रिएक्शन हॉफमेन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन जिसका प्रोडक्ट फाइन करने के लिए मैं हमेशा आपको ट्रिक बताता हूं कि जो भी अमाइड आपको दिया है उसमें से सीओ उड़ा दो आप तो यहां पर आपको मिलेगा सी एस थ्री एन एच टू दैट इज ऑल्सो प्राइमरी अमाइन उसने बोला है नॉट गिव प्राइमरी अमाइन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू दिस इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिस गिफ्ट सुक्रोज आपको दिया हुआ है yes, सुक्रोज इज जिसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है एल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज लिंकेज आपको मिलता है तो डी फ्रक्टोनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन है सुक्रोज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग इन करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग एंजाइम के लिए आपसे एक्चुअली पूछा जा रहा है इसमें लाइक केमिकल कैटलिस कैटेलाइस लाइक केमिकल कैटेलाइसिस एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो बायोप्रोसे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है एंजाइम भी कैटलिस की तरह काम करते हैं रिएक्शन को स्पीडअप करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं तो यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सबस्टेट को कुछ इस तरह से बाइंड करते हैं कि जो रिएक्ट रिएजेंट है उसका अटैक जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है

एक स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती है उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको यहां पर इसकी एक्टिविटी मिलती है तो यह स्टेटमेंट सही है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट यह स्टेटमेंट भी सही है सो द इन करेक्ट स्टेटमेंट इज एंजाइम्स आर स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट वन एंड टू फिर से दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए यूनिट अटम्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन पोजिशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि वन पोजिशन पर जब आ, क्या नाम से एक बेस अटैचमेंट होगा शुगर के साथ में तो न्यूक्लोसाइड आपको मिलेगा यह स्टेटमेंट सही है इज लिंक्ड टू एसिड एट फाइव ऑफ द शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड आप ध्यान देना यहां पर गड़बड़ है यहां पर अगर मैं बात करूं तो गड़बड़ है क्योंकि फॉस्फोरस एसिड आपको दिया हुआ है जबकि यह क्या होना चाहिए इट शुड बी फॉस्फोरिक एसिड तो फॉस्फरस एसिड आपको दिया हुआ ये फॉस्फोरिक एसिड होना चाहिए ये स्टेटमेंट इसमें गलत है तो पहला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है इसका मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट गलत बहुत एंड टू आर फॉल्स स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स ये वाला ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा इसमें पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड बायोमोलिक्यूल अमाइंस और एसिड एसिड डेरिवेटिव से रिलेटेड लास्ट फाइव ईयर्स में पूछे गए स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस है आपको कि पी को बहुत अच्छे से आप तैयार करें क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं ऐसा ट्रेंड कुछ लास्ट ईयर्स में देखा गया है इसके अलावा एन और जो आपको पढ़ाया गया है क्लास नोट्स बहुत अच्छे से इनको तैयार करें और ये कॉन्फिडेंस रखें कि जो सोर्स आपको बताए जा रहे हैं क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं यहीं से क्वेश्चन के आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं सो गेट रेडी फॉर नीट ट्वेंटी फोर वी आर ऑलवेज विद यू विश यू ऑल द बेस्ट